इवनिंग, आज जो है हम पहली बार रात का व्लॉग बना रहे हैं और मम्मी यहाँ पे जो है खाना खा रही हैं, तो आम ओम भी खा रही हैं। वैसे भी गर्मी के सीजन में आम ना खाएं तो खाना अधूरा रहता है, सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। फिर आम का सीजन कब आएगा? तो आपको और आम लेकर के आए ना? हाँ। ये तो केवल एक ही पीस है, चौसा है आम। ये चौसा है तो बनारसी लंगड़ा खाओगी क्या? नहीं, जो आज आया है आम, हाँ, धुल के रख देना फ्रिज में। जो कल वाला है आम, हाँ, उसको निकाल के सबको काट के प्लेट में लगा। ओके, तो यहाँ पे कल का जो है पुराना आम एक बचा है, ये मम्मी को दे दे, और आज जो आम आया है उसको फ्रिज में रख देते हैं। अब ये देखिए, आज जो आया है उसको यहाँ पे फ्रिज में रख देते हैं। ये चाकू दे देते हैं मम्मी को। ये लो मम्मी, आम और चाकू। काट लोगी कि काट के दें? आज ऐसी रख दी टेबल पे। टेबल पे नहीं रखा जाता है बेटा। टेबल पे थाली रखा रहा है, प्लेट रखा रहा है। पापा तो हमेशा का आदत है, देखिए जो आम का बीज वाला होता है वो नहीं खाते हैं, अभी लोग उसको खाते हैं। तो यहाँ पे किचन का भी काम हो गया है, ऑलमोस्ट साफ हमने कर दिया है। हाँ, आ रहे हैं। कुछ अलग सा दिखा रही है, क्या हो गया? अरे सड़ गया है। अब उसको बीज है ना, वो कैसे कटेगा? उसको साइड वाला वो कर दो, फेंक दे रहे हैं क्योंकि ख़राब हो गया है। और सैंकी दादा यहाँ पे बात कर रहे हैं। आम जो है हम यहाँ पे फेंक दे रहे हैं, सड़ गया है। और सब बढ़िया? तो आपकी वार्ता हो गई? हमारी वार्ता लाख हो गई। हाँ, तो आप खाना खा लिए? खाना खा ली। जो आप मेरा क्लिप लेने की कोशिश कर रही हैं अपने व्लॉग में, ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप हमें पे नहीं कर रही हैं। अच्छा, आप हमें पे करेंगी तब हम आप कुछ वाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। ये पे आपकी माता जी करेंगी आपको? मेरी माता जी यार पे नहीं करेंगी। आज हम जानते हो बहुत दिन बाद जो है रात का, बहुत दिन बाद क्या, फर्स्ट टाइम रात का व्लॉग बना रहे हैं। रात में हमने कभी व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज हम बोले कुछ रात वाला सीन हो जाए। हम जब पहले बैंगलोर में थे तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि घर पर जाएंगे, व्लॉग में पार्टिसिपेट करेंगे, पर अभी मेरे जुबान से कुछ आवाज़ निकल नहीं रही है इतना। तो तेज बोलिए क्योंकि आपकी आवाज़। हम कॉन्शियस हो जा रहे हैं, वैसे इन जनरल हम काफ़ी स्लो बोलते हैं ये। अच्छा, आपने बोला बहुत ही, हम लगा करें आप कि आपको बवासीर हो गया है। आप ये सारी चीजें ऐड करती हैं कोई जो हम नहीं, आपके नहीं हमारे यहाँ एकदम जो सच्चा चीज है वो चीज यहाँ पे होता है। अरे लेकिन कुछ तो सुने थे हम, दूसरे का पोल खोलते हो, अपना कुछ कुछ बताओ। हमने कुछ सुना था, पेपर में आया था। आई टोटली डिसएग्री विद दिस, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन योर ब्लॉग। तो आपका जॉब का टाइम खत्म हो गया? जॉब का टाइम खत्म हो गया है। प्राइवेट जॉब करना बहुत ही टफ है। वही अभी हम अपने जीजा जी से बात कर रहे थे कि अगर आपको कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है देन आपको थोड़ा नरम गरम रहना पड़ेगा। अगर आपका मैनेजर आपके ऊपर कुछ बोलता है, आपको बातें सुनाता है, तो जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू शुड नॉट माइंड। वही हम समझा रहे थे उनको, मतलब वही समझा के हम लोग यही बातें कर रहे थे। और एक देखिए, एक बालिका कॉल आ गया है। बात करना चाहती है। ठीक है, आप बालिका से बात कर लीजिए, हम जा रहे कालिका पे। तो यहाँ पे फ्रूट जो है रख देते हैं। तो रख गया। रात में ये लगता है कि मोस्टली काम करके अगर सोते हैं तो सही रहता है, मॉर्निंग का टेंशन नहीं रहता, क्योंकि सब लोग खाना खाए तो बर्तन यहाँ पे धुल भी गया और रखा गया। और ये देखिए, मॉर्निंग में हमारे यहाँ सब लोग चना और ये मूंग जो है ये भिगोया जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग ये खाता है, तो ये डेली थोड़ा सा भिगोया जाता है, चार ही चार ही दाना सब लोग खा ले। तो कोशिश करते हैं हम भी खाने का, लेकिन अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। मम्मी भी यहाँ पर खाना खा के बर्तन रख के चली गई हैं, और बर्तन अभी थोड़े से हैं जो धुलने बाकी हैं। और यहाँ पे मम्मी दही के लिए जमाने के लिए रख दी हैं, और ये तो पानी रखा हुआ है, और हमारे यहाँ मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी पीते हैं, तो इसलिए ये जो है रखा हुआ है इलेक्ट्रिक केटल, ताकि मॉर्निंग में उठे तो गर्म पानी करके पिए। और मम्मी आपका खाना पीना हो गया? खाना हो गया। मम्मी आपका बाल बहुत ज़्यादा वो हो गया, पूरा सर दिख रहा है। क्या करें, काफ़ी पहले भी छोटा बाल था लेकिन घना था, अब तो एकदम साफ हो रहा है। एकदम जब से हम लोग ये सब मेहंदी ये सब यूज कर रहे हैं, पूरा बाल एकदम सफा नहीं सफा चट हो जा रहा है। तो पानी पी रही हो आप यहाँ पे, खाना खा ली हो?
खाना खा लिए हैं, पापा तो बहुत लेट में पानी पीते हैं खाना की, लेकिन हमको तो खाने के बाद तुरंत चाहिए। हमारे पिताजी जो है नीचे के गेट पे लॉक करके आ रहे हैं, ये हमारे पिताजी हैं। अब पिताजी जब एसी में सोते हैं तो जब टेम्परेचर थोड़ा हम लोग माइनस कर देते हैं तो रात में कहते हैं रजैया लाओ रे। कल हम लोग रात में ऐसे सोए थे, पापा बोले हम लोग को हंसी आ गई रात में ही, तो ये देखिए पहले ये गब्बर सिंह हुआ करते थे, जा रहे हैं सोने। तो पिताजी हमारे जो है एसी वेसी ऑन कर दिए हैं, पिताजी जा रहे हैं सोने चले गए, तो अब गब्बर सिंह तो गए मम्मी सोने, अब आप भी जाओ। अब्बर सिंह, हाँ अब्बर सिंह जो है जो बचा खुचा रूम है उसमें जा रही है लॉक करने, क्योंकि मम्मी सोचती है कि चोर ना जाए, और सबसे ज्यादा डर मम्मी को अपने आप का रहता है कि चोर इनको उठा के न लेके चला जाए। सब चीज की एक जिम्मेदारी होती है, दिन में तो आदमी खुले रहते हैं, रात में सब देखना पड़ता है, खा पी लो। और गाइज आप लोग आज कहेंगे कि आज पहली बार जो है आपने पापा को देखा ब्लॉग में, तो पापा हमारे ऐसे ही बहुत शर्मिला टैगोर हैं। शर्मिला टैगोर तो हीरोइन का नाम तुम दीदी। तो आप शर्मिला टैगोर, आपके हस्बैंड है वो वहीदा रहमान। वहीदा रहमान हमारे घर में सब कॉमेडियन टाइप है, सब हंसता हंसाता रहता है। कोई तो अगर आ जाए हमारे घर में, गेस्ट हो चाहे बाहरी चाहे ऐसे मिलने जुलने वाले, सबका कॉमेडियन टेस्ट हो जाता है। बिना हंसे बिना मुस्कुराए। अच्छा मम्मी एक दीदी आई थी तो कहती थी पहले हम इतना सा मुस्कुराते थे, यहाँ आकर के हमारा पूरा मुंह खुल के हंसने लगा ना मम्मी। तो कौन दीदी थी वो? हमारी बहुत प्यारी दीदी, प्रीति दीदी थी। बचपन में उनका बहुत प्यारा नाम था, लेकिन हम कहेंगे नहीं, वो एकदम इनकी कॉपी है, इनकी समझ लीजिए कि जैसे मम्मी जैसे है वैसे हैं, जैसे हम बच्चों को डांटते हैं वैसी है, एकदम रखते हैं बच्चों को। हाँ वो इनकी भतीजी नहीं समझे, इनकी बेटी है, हम अपने पापा की बेटी है, ये उनकी उनकी बेटी, उनकी माँ ये है, और एकदम एक तरह बोलती है, कहती हेलो ऐसे करके बात करती, चाल चलन सब चीज ढलन पलन सब इन्हीं की तरह है, भतीजी तो है ही। और जो सपना दीदी है वो किसको पढ़ी मम्मी? वो हमारे भाई साहब को, भाई साहब एकदम वो हरफन मौला है, अपनी माँ को पढ़ी है वो। उसका और चीज अपनी माँ की है। तो मम्मी लोगों से बोलो कि आज नाइट का हम लोग फर्स्ट टाइम व्लॉग शूट किया है, तो कमेंट करके, हाँ जैसा भी हो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइएगा। हाँ। कमेंट करेंगे तभी तो बताएंगे। हाँ। तभी तो जो हमारे अंदर गलती है, कमी है, हमको मालूम होगा आपके कमेंट के जरिए। इसलिए बाय बाय, गुड नाइट, तब तक के लिए बाय बाय।